तो फ्रेंड, मैंने पिछली वीडियो में आपसे ये कहा था कि मैं आपको नर्सरी से लाई हुई मिट्टी के बारे में बताऊंगी कि एक मिट्टी कैसे होती है, कैसी ये मिट्टी डालकर एक प्लांट को बेचते हैं, सेल करते हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं ना कि नर्सरी से लाने के बाद हम प्लांट को ऐसे कैसे रख देते हैं, उस पर पानी डालते रहते हैं। तो आज मैं ये जीजी प्लांट लेके आई हूँ, उसके से लेके क्या आई हूँ, एक हफ्ता दो हफ्ता हो गया मुझे इसको निकालने का टाइम नहीं मिला। सोचा आपको दिखाऊंगी, दिखाई बिना नहीं करूंगी। तो आज मैं लाई हूँ, तो देखिए ये जीजी प्लांट जो मैं लाई हूँ, वैसे तो इतना सुंदर प्लांट होता है ये, कैसी इन्होंने उसकी केयर की हुई है। और ये उन्होंने मुझे दिया भी है 250 में, बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे 200 में दिया है। तो खैर मैं ले आई हूँ, मुझे प्लांट बहुत पसंद था, कब से मैं ढूंढ रही थी इस प्लांट को। लेकिन ये देखिए, मैंने जब इसको निकाला तो प्लांट तो बड़ी मुश्किल से निकला। मिट्टी इसकी देखिए, आप सभी देखिए, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आप भी जब प्लांट लेके आएं तो मिट्टी जरूर निकले। ये जरूरी नहीं कि ऐसी ही मिट्टी हो, कुछ प्लांट में, कुछ पोट में जो होता है मिट्टी खाली में, ये बजरी और पत्थर डाल देते हैं और प्लांट भर देते हैं उसमें, और जो सेल करते हैं तो उसमें ऐसी उल्टी सीधी मिट्टी भरी और पानी डाला और दे देते हैं। और हम सोचते हैं कि कितना हेल्दी प्लांट है, और आके घर आके उसको हम पानी देना शुरू कर देते हैं। तो जीजी प्लांट में जैसे पानी की ज़रूरत ही नहीं है, अगर हम इसमें भी ऐसे करते या मैं ऐसा करती तो देखिए क्या हालत होती। क्योंकि पहले ही इसमें इतना, ये इतनी गीली है मिट्टी अभी भी, कुछ पता नहीं क्या है, गेरू मिला रखा है क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बिना पानी के ही ये हाल है। देखिए मेरा ये पौधा थोड़ा सा वहाँ से मरने लगा था अगर मैं इसे अभी भी ना निकालती, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ये बच गया है। और फिर अगर मैं इसमें डाल देती तो मेरे 200-250 रुपये जाते रहते। कुछ यहाँ पे महंगा भी देते हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि एक प्लांट में ऐसा हो कम से कम उससे एक से कई प्लांट बना सकें। प्लांट तो बन जाएंगे इसके। ये देखिए, ये पहले गंदी मिट्टी इसकी जो ये जो अभी भी निकल नहीं रही है, सो मैंने इसको फिर धोया। फिर धोने के बाद भी अभी रंग बाकी है इस पर। अब मैं इसको बताऊंगी आपको कि इस मिट्टी को कभी भी यूज़ ना करें, और अगर करें तो ये मिट्टी सिर्फ आप थोड़ी सी यूज़ करें, बाकी मिट्टी सारी अपनी घर की यूज़ करें। क्योंकि मिट्टी लाला के ये मिट्टी तो बेकार पड़ी रहेगी, तो अच्छा है कि इसमें भी हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी शेयर करें, और ये मिट्टी सिर्फ इतनी सी यूज़ करें ऊपर ऊपर डालने के लिए। नीचे ना बिल्कुल भी निकल नहीं रही है मिट्टी, आपको मैं दिखाती हूँ निकाल के, ये मिट्टी बिल्कुल नहीं निकल रही है। ये देखिए अभी भी चिपकी हुई है मिट्टी, बहुत मार मार के निकाल रही हूँ पॉट को नीचे। और ये ड्रेन सिस्टम इसके बिल्कुल बंद हो चुके हैं, ये तो पानी डालती ही नहीं है इसमें, पता नहीं क्या डालती है, इन्हें पानी डालना नहीं पड़ता, लेकिन हमें तो पानी डालना ही पड़ेगा कभी ना कभी, तो ध्यान रखिए। और ये मैं प्लांट अपना लाई थी पिछले साल, क्योंकि मैं इस प्लांट को कब से ढूंढ रही थी, आप भी आपको बताया था, मैं बता रही थी मैं। तो ये प्लांट मेरा बड़ी मुश्किल से बचाया, इससे भी ज़्यादा वो हेल्दी प्लांट था, बहुत सुंदर प्लांट था, मेरा वो बच नहीं पाया। मैं उसमें पानी देती रही और सोचा कि ये हो गया, लेकिन वो मेरा ख़त्म हो गया, बस फिर यही बचा। अब ये थोड़ा थोड़ा होने लगा है, जड़ इसकी पकड़ने लगी है, तो अभी तो मैं इसको इसमें रखूँगी। और इसको आप जब भी करें तो इसमें गमले में आप इसका होल चेक करें, जिसमें जितने ज़्यादा होल होंगे उतना ही पॉट के लिए भी और प्लांट के लिए भी अच्छा होगा। मिट्टी निकालना मत भूलें आप, ये मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, अगर आपको अपना प्लांट बचाना है तो इसमें आलस ना करें। अब इस प्लांट के लिए हम कोकोपीट यूज़ नहीं करेंगे, इस प्लांट के लिए हमें रेत काफ़ी मात्रा में चाहिए, क्योंकि रेत में पानी रुकता नहीं है। और बजरी डालिए, मिट्टी का जो इसमें आप डालेंगे 1% डालिए, जिससे डालने के बाद बस पानी सर से नीचे निकल जाए, क्योंकि इस प्लांट को पानी तो चाहिए लेकिन इतना नहीं चाहिए जितना कि और प्लांट को ज़रूरी होती है। तो मैं यही बताना चाहूँगी, कोई भी प्लांट हो, और ये आपका एक इंडोर प्लांट है, इसको आप लो मेंटेनेंस समझ के आप कहीं भी रख सकते हैं, पानी की इसमें ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। एक बार पानी डाल के आप भूल जाइए, आप एक महीना ही पानी नहीं डालेंगे ना, आपका कहीं नहीं जाएगा ये प्लांट। बस इसको आप लो लाइट में भी रख सकते हैं, कहीं भी रख दीजिए, बस थोड़ा सा हवा का जो होता है आप देखिए, जहाँ अच्छी सी हवा आए, क्योंकि प्लांट को भी हवा तो चाहिए ही चाहिए ना, अगर प्लांट में हवा नहीं मिलेगी, सांस नहीं लेंगे तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा।
जैसे हमें हवा की सांस की ज़रूरत के लिए पड़ती है हम हवा लेते हैं, ऐसी प्लांट को भी हवा देने के लिए एक ऐसी जगह पर रखिए, चाहे आप इसमें लाइट बहुत कम हो चलेगा, लेकिन धूप में बिल्कुल नहीं रखना है। ये भी इंडोर प्लांट है, लो मेंटेनेंस है और इसको ग्रो करना भी बहुत आसान है। आप इसकी ये जो एक पत्ती है ना, इसकी पत्ती तोड़ कर भी आप इसे कोकोपीट में दबा दीजिए गिल्ली करके, और एक हफ्ते बाद आपको इसमें भी इस तरह का बल्ब नजर आएगा। अभी तो मैं इसको लगाऊंगी, अभी मेरा तैयार नहीं है, तो सेम ऐसे बल्ब लगाएंगे। इससे आप हज़ारों प्लांट तैयार कर सकते हैं और अपने घर में कहीं भी लगा सकते हैं। ये देखने में बिल्कुल प्लास्टिक का प्लांट हो जाएगा, जब आप मैं इसकी अच्छी से सफाई कर दूँगी साफ़ हो जाएगा। अभी तो ये नर्सरी से लाई हूँ तो इसकी हालत ज़रा कुछ बिगड़ी हुई सी है, तो देखिए काफ़ी पत्ते जले हुए में ऐसे रख रखा था उन्होंने, बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे दिया। पता नहीं कैसे करते हैं, हम सोचते हैं कि इनके सारे प्लांट बहुत अच्छे चलते हैं, ये किस तरह का स्प्रे डालते हैं उसमें जिससे ही इनके प्लांट कम मरते हैं, लेकिन जब ये घर पे भेज दिया जाता है किसी के भी, तब फिर ये प्लांट धीरे धीरे मरने लगते हैं। और हम सोचते हैं कि उनके तो प्लांट चलते हैं और हमारे प्लांट पता नहीं क्यों मर जाते हैं, धीरे धीरे पत्ते झड़ने लगते हैं और फिर धीरे धीरे ये डंडी गिर जाती है। तो यही कारण है कि हम नर्सरी से ला के प्लांट की केयर नहीं कर पाते, तो हम उसको थोड़ा सा लापरवाही भी छोड़ देते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए। और कुछ भी आपको पूछना है इसके बारे में तो आप मुझसे कमेंट में सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।